हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की जो नाश्ते की रेसिपी है वो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होती है, लेकिन अंदर से ये नाश्ता बहुत ही फ्लफी होता है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से मेज़र करके 1 कप पोहा लिया है। इस नाश्ते को बनाने के लिए आप मोटा वाला या महीन वाला दोनों ही तरह का पोहा ले सकते हैं। अब इस पोहा में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसीलिए हम इसे पानी से अच्छे से वॉश करके लेंगे। इस तरह से आप इसे स्ट्रेटनर में रखकर पानी डालते जाएं और इसे अच्छे से रब करके वॉश कर लें। पोहा को वॉश करने के बाद इसे एक बड़े मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट में ये पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए, जब आप इसे इस तरह से मैश करेंगे तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा। अब इस पोहा को हम इस तरह से हाथ से ही अच्छे तरह से मैश करेंगे ताकि इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ सके। आप चाहे तो कुछ सेकंड के लिए इस पोहा को ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने पोहा को अच्छे से मैश कर लिया है और ये देखिए, इसमें अब बिल्कुल डो जैसी बाइंडिंग आ गई है। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को हमें ग्रेट करके लेना है। यहाँ पर मैंने एक छोटा ग्रेटर ले लिया है ताकि आलू बारीक बारीक ग्रेट हो सके। आप चाहें तो आलूओं को पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन आलू के लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। दोनों आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। नाश्ते को डाइजेस्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 पिंच हींग ऐड कर रही हूँ। नाश्ते को न्यूट्रिटिव बनाने के लिए अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच फाइन चॉप की हुई गाजर, 2 बड़े चम्मच ही मैंने यहाँ पर फाइन चॉप की हुई शिमला मिर्च ली है, 2 बड़े चम्मच ही मैंने यहाँ पर प्याज को भी फाइन चॉप करके लिया है, 2 बड़ा चम्मच ही मैंने यहाँ पर फाइन चॉप किया हुआ धनिया लिया है और 2 ही मैंने यहाँ पर फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च भी ली हैं। अब इन सभी चीज़ों को भी आलू और पोहा के साथ ही ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक डो जैसा तैयार करेंगे। सभी चीज़ें अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। ये एक सॉफ्ट डो जैसा तैयार हो चुका है। अब इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 1 थाली। इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है और इस पूरे डो को हम इस थाली में ट्रांसफ़र करेंगे। इस स्पैचुला की हेल्प से इसे हमें इवनली स्प्रेड कर देना है। इसमें आलू और पोहा है, इसीलिए इसके जो किनारे हैं इस तरह से फटेंगे। आप इनको भी इस तरह से इवन करते जाएं और इसे इवनली स्प्रेड कर लें। तो ये देखिए, पूरे डो को मैंने इस तरह स्क्वायर शेप में स्प्रेड कर लिया है। अब एक नाइफ की हेल्प से इसे हम कट करेंगे। इस नाश्ते को मैं यहाँ पर स्क्वायर पीसेस में काट रही हूँ। आप चाहें तो इसे डायमंड या फिर रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। तैयार किए गए इस डो से आप चाहें तो हाथों से भी गोल गोल टिक्की बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में नाश्ता तैयार करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। इस नाश्ते को ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो पोहा और आलू होता है वो ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। पोहा और आलू का ये नाश्ता ऑयल को एब्जॉर्ब ना करे, इसके लिए हम इस पर कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए एक बॉल में मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच मैदा। मैदा की जगह पर आप आटा भी ले सकते हैं। मैदा में एक साथ ज़्यादा पानी ऐड करने से इसमें लम्ब्स बन जाते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ही इसकी स्लरी तैयार करनी है। नाश्ते को कोट करने के लिए ये देखिए, इसी तरह की पतली स्लरी बनाकर तैयार करनी है। तो अब ये हमारी स्लरी भी तैयार हो चुकी है। अब हम इस नाश्ते को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। अभी इस बाउल को हम रख देते हैं साइड में और मैंने यहाँ पर ली हैं 4 ब्राउन ब्रेड। आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। ब्रेड को ग्राइंड करके इसके ईजीली ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। नाश्ता बनाने के लिए प्रेपरेशन हो चुकी है। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी तैयार हैं, स्लरी भी तैयार है, तो बस अब हमें इसकी कोटिंग करनी है। अब हम लेंगे 1 प्लेट में थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अब ये जो हमने नाश्ता बनाकर रखा है इसमें से 1-1 पीस लेंगे
और इस पर इस तरह से स्लरी की कोटिंग करेंगे। इसे आप फॉक से इस तरह से उठाएं। कुछ सेकंड के लिए आप फॉक को इसी तरह से रखें ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा स्लरी है वो बॉल में ही रह जाए। अब इस पर हम करेंगे ये ब्रेड क्रम्स की कोटिंग। अब सभी पीसेस पे हर तरफ से हमें बढ़िया ढंग से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देनी है। इस नाश्ते पर यदि आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग नहीं करेंगे तो भी ये क्रिस्पी बनेगा, लेकिन यदि आप इस पर इस तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। इसी तरह से एक एक करके सभी पीसेस को स्लरी में इस तरह से कोट करना है और इसकी एक्स्ट्रा स्लरी को इस तरह से बाउल में ही रहने देना है और इसके बाद में इसे ब्रेड क्रम्स के साथ इस तरह से अच्छे से कोट करना है। पूरे नाश्ते को एक साथ हम ब्रेड क्रम्स से कोट करके रखेंगे। नाश्ते के सभी पीसेस को इस तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेना है। इसके बाद ही इनको फ्राई करना है। इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करेंगे। इस नाश्ते को शुरू में आधा मिनट के लिए आप इसी तरह से फ्राई होने दें। आधा मिनट के बाद ही एक फॉक की हेल्प से इसे आप सावधानीपूर्वक एक एक करके इस तरह से फ्लिप कर दें और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसे फ्लिप करते हुए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने दें। मीडियम फ्लेम पर इस नाश्ते को फ्राई करने से आलू का मॉइस्चर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है और ये नाश्ता टेस्टी बनकर तैयार होता है। नाश्ते को फ्राई होते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, ये दोनों ही साइड से बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब इस नाश्ते को एक स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही स्ट्रेन हो जाए। पोहा और आलू से बना हुआ ये नाश्ता बनाने में जितना आसान है ये उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसे अभी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसी तरह से बचे हुए नाश्ते को भी फ्राई करेंगे। नाश्ते को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर नाश्ते को फ्राई करने से नाश्ता क्रिस्पी नहीं होगा। आलू और पोहा का बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है और ये देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी है। आप इसे चाहे तो ब्रेकफास्ट में सर्व करें, चाहे इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दें, सभी के लिए परफेक्ट है। ये नाश्ता ऊपर से जितना क्रिस्पी होता है अंदर से उतना ही फ्लफी भी होता है और आप देख सकते हैं मैदे की कोटिंग के कारण इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में बनने वाले आलू और पोहा के इस नाश्ते की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय।